नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेंद्र है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको गणित विषय का ये लेक्चर दे रहा हूँ, और इसमें आज मैं आपको गणित के अंतर्गत जो आयतन का वॉल्यूम का जो टॉपिक है उसे कवर करूँगा, जिसके अंतर्गत घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सभी 3D फिगर से संबंधित प्रश्न होंगे। उनके सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे मैंने बाकी टॉपिक को कवर किया, वर्ग का जैसे था आपका क्षेत्रफल का, वैसे ही आयतन को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी की या फिर लेखपाल की, या फिर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें गणित विषय के आयतन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, और उनको हल करने का बहुत ही ईजी सिंपल सा तरीका अपनाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम त्रिविमीय आकृतियों को पढ़ रहे हैं, जिसे हम 3D फिगर्स कहते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर्स जो 3D कहते हैं। 3D फिगर की खास बात होती है कि इसमें तीन विमाएं होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, जिससे हम LBH के नाम से जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये तीन चीज़ें 3D फिगर्स में होती हैं। तो अब सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे घनाभ की बात करेंगे, क्यूबाइड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है घनाभ। तो घनाभ से संबंधित सभी जानकारी और इससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो घनाभ जानिए क्या है। किसी आयताकार त्रिविमीय आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रफली फिगर बनाया हुआ है। इसकी खास बात क्या है कि ये आयत का आकार होता है। आयत, अगर आयत की बात करें तो आयत 2D फिगर है, वो द्विविमीय आकृति होती है आयत। लेकिन अगर वही आयत ठोस रूप में हमारे सामने हो, जिसे हम 3D कह रहे हैं, तो वो हो जाता है घनाभ। तो ये तो है आयत, लेकिन ये है घनाभ, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई नजर आ रही है। दो डायमेंशन यानी दो साइड्स दिख रही होगी, यहाँ पे आपको तीन साइड दिख रही होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी मोटाई, या जिससे मोटाई को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये है घनाभ। अब घनाभ से इम्पोर्टेंट जो तीन फार्मूले हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ आयतन की बात करेंगे, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर इसके बाद विकर्ण। तो ये तीन फार्मूले आपको घनाभ को हल करने के लिए, घनाभ से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तीन फार्मूले याद होना जरूरी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, जिसे वॉल्यूम कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इंग्लिश में LBH कहते हैं, L×B×H। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने आयत नजर आएंगे। यहाँ पे एक, दो, और इधर का तीन, चार, पाँच, छः, छः आयत नजर आएंगे आपको यहाँ पे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, हालांकि एक एक आयत की जब बात करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, चूंकि अब यहाँ पे एक ऊंचाई बन जाती है, एक जो है आपकी चौड़ाई, इसलिए इसी मतलब आयत के क्षेत्रफल को इस तरह से सेट करके फॉर्मूला बना दिया गया कि दो कॉमन कर लिए, क्योंकि इधर और इधर वाला कॉमन हो गया, ऊपर और नीचे वाला कॉमन हो गया, इस साइड वाला इस साइड वाला कॉमन हो गया, तो दो को कॉमन कर लिया। फिर क्या, लंबाई धन चौड़ाई, फिर धन सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, जितने पृष्ठ हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः के छः पृष्ठों का ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में टू ब्रैकेट के अंदर LB+BH+HL। तो ये अब याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके सवाल पूछे जाते हैं, और चैलेंजिंग ये होता है कि इसका फॉर्मूला सही सही आपको याद हो, क्योंकि फॉर्मूला मिस हुआ यानी कि आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। विकर्ण की बात करते हैं दोस्तों, डायगोनल जिसको कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से जैसे आयत में तो सीधा विकर्ण आप देखते हैं, यही इसी इसको डायगोनल्स कहते हैं, ये विकर्ण है। वैसे यहाँ पे इसके अंदर भी एक विकर्ण होगा, ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक ऐसे मैच करेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, जिसको अंडर रूट के अंदर L²+B²+H² कहते हैं। तो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, जो इन तीनों फार्मूलों से थोड़ा सा हटके होगा। यहाँ पे हम कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो कमरे की जो लगभग साइज, कमरे का जो शेप होता है लगभग, वो एक
घनाभाकार होता है, कह सकते हैं क्यूबाइड के शेप में होता है। लेकिन जब उसके दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो यहाँ पे छत का और फर्श का छूट जाता है, इसीलिए चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है 2 × ऊंचाई और ब्रेकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये भी याद रखना है जब अभी आपको सवालों में दिया जाएगा किसी कमरे की साइज दी जाएगी, फिर कहा जाएगा कि उसकी कमरे की जो है पुताई करानी है, उसकी कमरे की दीवारों पे पुताई करानी, तो खर्च कितनी आएगी, तो वहां पे हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए। 2 × ऊंचाई, चूंकि ऊंचाई कॉमन हो जाएगी, लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका फार्मूला है। तो ये इतने फार्मूले याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहले हम आसान आसान सवालों को देखेंगे, फिर क्रमशः हम कठिन सवालों की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी सवाल, उस संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो अब ये संदूक भाई कैसा होगा? घनाभाकार होगा। तो संदूक का आयतन वही घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 5, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 4.5। तो सिंपल, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो गया 4.5, और फिर ये आपका आएगा 45 का। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, जब हम आयतन को जब लिखेंगे तो वहाँ पे घन मीटर लगाना मत भूलिएगा, या इस तरह से मीटर क्यूब। तो चूंकि आपको क्षेत्रफल में मैंने बताया था कि वहां पे मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर करते थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर जल्दबाजी में आपने गलती कर दिया कि 45 वर्ग मीटर लिख दिया या 45 मीटर स्क्वायर लिख दिया, ध्यान नहीं दिया कि आयतन है, तभी भी ये आपका गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ये चीज ना करें, आप इसकी जो इकाई है उसको भी ध्यान दें। आयतन की इकाई होती है घन और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो दोनों को ध्यान रखकर करें ताकि छोटी सी मिस्टेक से आपकी मेहनत बेकार ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक टैंक 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा एवं 2 मीटर ऊंचा है, उस टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। जब कभी भी इस तरह की बात क्षमता, उसकी क्षमता या उसकी धारिता पूछे, तो समझिए हमें आयतन ज्ञात करना है। कभी कभी धारिता शब्द दिया रहता है कि किसी टैंक की साइज ये और ये है, तो उसकी धारिता बताइए। धारिता का तात्पर्य आयतन से होता है कि वो कितना स्थान घेरता है, उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। तो क्षमता और धारिता का मतलब हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो टैंक की क्षमता यानी टैंक का आयतन, तो वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमने सिंपल कर दिया। 8×40 × 80, 80 घन मीटर या फिर 80 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत कर ले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहता है, एक आयताकार पिंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर है, तो पिंड के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो वही 2 लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, 2 लंबाई × चौड़ाई धन, चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन, ऊंचाई गुणे लंबाई, या LBBHHL याद रखिए। तो हमने मानक दिया, जो जो दिया गया है यहाँ पे, 2 12×4 धन 4×3 धन 3×12, ये हमारा देखिए 12 क्या है लंबाई है, 4 क्या है चौड़ाई है, और ऊंचाई 3, तो हमने रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 12 × 48, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, इसको जोड़ा 96 और 96 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 96 × 2 = 192। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ पे वर्ग मीटर लिखा गया है या मीटर स्क्वायर लिखा गया है। आयतन होता तो हम यहाँ पे घन मीटर लिखते, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर आ गया 192 वर्ग मीटर या 192 मीटर स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। जब कोई कमरा होता है तो आप ऐसे ही अगर इसको 2D में समझना चाहें, तो ये मान लीजिए कि कमरा है इस टाइप का, ऐसे थोड़ा सा रफ फिगर बन रहा है बट समझ लीजिए। अब अगर मान लीजिए ये कमरे की लंबाई चौड़ाई है और इसकी अपनी ऊंचाई भी है, इसको ऊंचाई मान लीजिए, और ऐसे इसकी थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाई देते हैं, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर इस साइड का ये छत हो गई, ऐसे ये कमरा आपका है, अब आपसे कहा जाए कि इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का सामान रखा जा सकता है, तो आप देखेंगे अधिकतम लंबाई कब आएगी, जब आप कोने से लेंगे कोई चीज यहाँ से लेकर के यहाँ रखें, ऐसे विकर्णवत जिसको डायगोनल स्थित में अगर आप रखेंगे, तो अधिक से अधिक लंबी चीज रखी जा सकती है।
जब भी इस तरह की बात कहे कि अधिकतम कितनी लंबाई का सामान कोई कमरे में रखा जाए, तो इसका मतलब हमें उस कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है, उसका डायगोनल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वही कहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जाएगा, तो कमरे में अधिकतम लंबाई का तात्पर्य है कमरे का विकर्ण। और विकर्ण कैसे ज्ञात होगा? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो मान रख देते हैं लंबाई का मान 12 है, चौड़ाई का मान 9 है, ऊंचाई का मान 8 है। तो 12 बराबर में 144, 9 नवा 81, 18 64 सब उठा के जोड़ दिया तो आ गया 289। अब 289 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17। तो आंसर आ गया 17 मीटर की अधिकतम लंबाई का बांस उस कमरे में रखा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। कह रहे हैं एक सिनेमा हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर, 50 मीटर एवं 20 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 100 घन मीटर हवा चाहिए तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो इजी है, लेकिन आपको तरीका पता हो तो कर पाएंगे। जब भी संख्या हमसे पूछता है, किसी भी चीज की संख्या पूछता है, तो हमें क्या करना होता है? बड़े भाग का जो है निकालना होता है, फिर छोटे भाग का। अब चूंकि यहाँ पे आयतन का हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हाल का आयतन यानी पूरा जो एरिया है, हाल का आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, प्रति व्यक्ति आयतन, ये कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं हॉल का आयतन, चूंकि हाल कैसा है? घना भाग का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। और प्रति व्यक्ति आयतन कितना, कितने घन मीटर हवा चाहिए, वो दे ही रखा है। तो वही 100 × 50 × 20 कर दिया, बटे 100 कर दिया, तो आंसर आ गया 1000 व्यक्ति, यानी कि उस कमरे में 1000 व्यक्ति बैठ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतने ही सवाल आपको दूंगा, और अगर ये समझ में आए तो सवाल और भी हैं, लेकिन उनको हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में जो सवाल होंगे थोड़ा सा टफ होंगे, और उन्हें कैसे करना है, उनके लिए क्या तरीका है, मैं उनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, आयतन का पहला पार्ट आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको एक दो बार देखिए, रिवाइज करिए, इजिली आप कर पाएंगे। और अगर इस तरह से वीडियोज़ आपको मैथ्स के और चाहिए, और ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करें। और आपका लाइक और आपका शेयर हमें ये फीडबैक देता है कि हम बेहतर कर रहे हैं और आपके लिए और बेहतर वीडियो हम दें। फाइनली इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आपके लिए गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।